नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चले जानते हैं अब तक के बिहार की बड़ी खबरों को। बेल ने 22 सिक्योरिटी स्टाफ के लिए निकाली वैकेंसी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने सिक्योरिटी हवलदार, जूनियर सिक्योरिटी सुपरवाइजर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के 22 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 10+2 या स्नातक या प्रासंगिक सुरक्षा सेवाओं में 15 साल तक का अनुभव होना अनिवार्य है। अपनी पात्रता के बारे में स्पष्ट अवधारणा जानने के लिए आवेदन करने से पहले पद और श्रेणी के अनुसार पात्रता मानदंड, शैक्षिक योग्यता और अनुभव को जानने के लिए आधिकारिक अधिसूचना से गुजरना होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 10 फरवरी 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट bellindia.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। मौसम विभाग ने दी अगले 2 दिनों तक बारिश की चेतावनी। राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिलों में पिछले 3 दिनों से तेज धूप खिल रही है। इससे दिन और रात में पारे में बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिन में मौसम शुष्क रहा और कपकपी से भी राहत मिली है। इसके बावजूद सूबे के कई जिलों में उत्तर पश्चिमी और उत्तर की तरफ से आने वाली हवाओं की वजह से वहां ठंड का असर बना रहा। मौसम विभाग ने आने वाले 10 फरवरी तक ठंड का असर रहने का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही विभाग ने 5 और 6 फरवरी को पटना सहित सूबे के अलग अलग हिस्से में आसमान में बादल छाने के साथ ही हल्की बारिश की चेतावनी भी जारी की है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त हवाएं और उत्तरी हिस्से में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश के हालात बने हैं। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा संसद ने जारी किया शेड्यूल। BCECE ने राज्य के सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक में खाली बची सीटों पर दाखिले के लिए गुरुवार को शेड्यूल जारी कर दिया है। खाली बचे सीटों पर एडमिशन मॉप अप काउंसलिंग के तहत किया जाएगा। इसमें JEE मेन 2020 में शामिल अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। परिषद ने कहा है कि JEE मेन 2020 में अभ्यर्थी का स्कोर कितना भी रहा हो, वे मॉप अप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का 12वीं में कम से कम 45% तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 40% अंक होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को आवेदन में सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले पूरी तरह जांच कर ले। मॉप अप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 6 फरवरी से शुरू होंगे। आवेदन की अंतिम तारीख 11 फरवरी है। काउंसलिंग 17 फरवरी से शुरू होगी और ऑफलाइन आयोजित होगी। बिहार के 36,820 किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के लिए माना गया अयोग्य। राज्य के 36,820 किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के लिए अयोग्य माना गया है। इन किसानों के खाते में योजना की राशि का भुगतान हो चुका है, जिसे अब वापस सरकार को लौटानी पड़ेगी। दरअसल इस योजना के तहत वैसे किसानों को अयोग्य माना गया है जिनके घर का कोई एक सदस्य इनकम टैक्स पेयर है या फिर जो अपने खेती की जमीन दूसरे कामों में इस्तेमाल कर रहे हो, जिनके खेत की जमीन पिता या दादा के नाम पर हो, जो किसान सरकारी कर्मचारी रहे हो या फिर जिन खेत मालिकों को 10,000 पेंशन के रूप में मिलता हो। ऐसे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अयोग्य माना गया है। इन अयोग्य किसानों को मिली राशि को अब कृषि निदेशक के खाते में वापस करनी होगी। आपको बता दें कि राज्य के कृषि विभाग ने 36,820 अयोग्य किसानों से कुल 32,74,06,000 की राशि वापस मांगी है। केजरीवाल पैटर्न पर नीतीश सरकार शुरू करेगी मोहल्ला क्लिनिक। जल्द ही नीतीश सरकार नगर निगम क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत करने वाली है। मोहल्ला क्लिनिक का पैटर्न दिल्ली के सीएम केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक के पर होगा। मॉडल के रूप में पटना नगर निगम इसे शुरू करेगा। इसके लिए 10 फरवरी को निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक में इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक पूरे देश के लिए मॉडल है। मोहल्ला क्लिनिक में किसी बड़े भवन की जरूरत नहीं होती है, यहां सिर्फ ओपीडी की व्यवस्था होती है। इसे छोटे से कमरे में भी खोला जा सकता है। प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद पटना नगर निगम के हर मोहल्ले में जल्द ही मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा मिल जाएगी। मोहल्ला क्लिनिक खुल जाने से लोगों को छोटी बीमारियों के लिए बड़े बड़े अस्पतालों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गरीबों को आसानी से इलाज मिल सकेगा। CBSE 12वीं और JEE मेंस की परीक्षा की तारीखें बढ़ा रही है। छात्रों की परेशानी, मई महीने में JEE मेंस की परीक्षा और CBSE 12वीं बोर्ड एग्जामिनेशन की एक ही दिन परीक्षा हो जाने से JEE मेंस के अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है। दरअसल 12वीं बोर्ड के बायोलॉजी विषय की परीक्षा और मेंस 2021 मई महीने को परीक्षा एक ही दिन तारीख यानी कि 24 मई को ही आयोजित की गई है। मई महीने में आयोजित होने वाली मेंस की परीक्षा 24 से लेकर 28 मई तक आयोजित होगी, जबकि CBSE 12वीं बोर्ड की बायोलॉजी का पेपर भी 24 मई को ही है। ऐसे में मैथ्स और बायोलॉजी के स्टूडेंट JEE मेंस की बैठक में बैठ नहीं पाएंगे। वहीं 29 मई को कंप्यूटर साइंस का पेपर है, जिस वजह से परीक्षार्थियों को एक ही दिन में एक शहर से दूसरे शहर जाने में परेशानी हो सकती है। इस कारण से छात्र CBSE से JEE मेंस की परीक्षा की तारीखों में बदलाव
करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसी बार से जेईई मेंस की परीक्षा साल में 4 बार यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई महीने में आयोजित करने की शुरुआत की गई है। आरा से बलिया के बीच रेल लाइन का होगा सर्वे। पूर्व मध्य रेलवे में चल रही प्रमुख परियोजनाओं के लिए बजट में फंड का अलॉटमेंट किया गया है। बजट में आरा से बलिया तक 65 किलोमीटर नई बड़ी रेल लाइन के लिए सर्वे का काम को लेकर स्वीकृति दे दी गई है। इस रेल लाइन के बनने से भोजपुर इलाके के लाखों लोगों का संपर्क सीधे उत्तर प्रदेश से जुड़ जाएगा। इससे लोगों को अब बक्सर या छपरा होकर बलिया जाने की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही 5267 किलोमीटर की नई रेल लाइन अमान परिवर्तन दोहरीकरण परियोजना से जुड़े कुल 57 परियोजनाओं पर काम होगा। नई रेल लाइन में मुख्य रूप से नेवरा, दनियावा, बरभीघा, शेखपुरा की 121 किलोमीटर लाइन के लिए 150 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है। वहीं पटना में भी रेल सह सड़क पुल के लिए 50 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। इस बजट राशि में किउल गया लाइन दोहरीकरण और हाजीपुर बछवारा दोहरीकरण का काम भी शुरू होगा। विधानसभा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे सीएम नीतीश कुमार। बिहार विधानसभा के 100 साल रविवार 7 फरवरी को पूरे हो जाएंगे। इसे लेकर आगामी 7 फरवरी को विधानसभा भवन में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। शताब्दी वर्ष के शुभारंभ समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। कार्यक्रम को 2 सत्रों में संबोधित किया जाएगा। 3 घंटे के पहले सत्र में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कार्यकारी सभापति, संसदीय मंत्री के साथ ही विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। दूसरे सत्र में विधानमंडल के सदस्यों का संबोधन होगा। विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह के तहत इस साल कई कार्यक्रम होंगे। अप्रैल मई महीने के बीच एक बृहद आयोजन होगा जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति करेंगे और समापन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। पुष्पम प्रिया ने उठाया शिक्षकों की मांग का मुद्दा। प्लूरल्स पार्टी का निर्माण कर बिहार की राजनीति में कदम रखने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार के सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को लेकर पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पर उनका मुद्दा उठाया है। इस बार पुष्पम प्रिया चौधरी ने नियोजित शिक्षकों की मांगों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। पुष्पम प्रिया ने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री जी, आप सुबह रोज पेपर पढ़ते हैं, लेकिन आज आपके 94,000 परिवार भी बेसब्री से अखबार पलट रहे होंगे। कहीं उनके बच्चे की टीचर नियुक्ति का डेट आ गया हो। आज एंटी वर्किंग डे है। सरस्वती पूजा से पहले विभाग को नियुक्ति करने का आदेश दे दे। आपको बता दें पिछले 2.5 साल से 94,000 पदों पर बहाली को लेकर नियोजित शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। 18 जनवरी से लोग गर्दनीबाग में धरना भी दे रहे थे, जिसके बाद 19 जनवरी को इन पर लाठी चार्ज किया गया था। कृषि पशुपालन से जुड़े लोगों के हित को लेकर बिहार सरकार गंभीर। बीते दिन कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बजट से पूर्व आयोजित बैठक में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद शामिल हुए। डिप्टी सीएम ने कहा कि कृषि पशुपालन क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों के कल्याण के लिए राज्य सरकार कई योजनाएं तो ला रही है। मक्का, केला, गन्ना, चाय, जूट के उत्पादक, सब्जी उत्पादन, फूल उद्योग, बागवानी, जैविक खेती के साथ ही कुक्कुट, मत्स्य, बकरी पालन और गौशाला डेयरी के लिए बजट में कई प्रावधान लाए जाएंगे। किसान, पशुपालक, मत्स्य पालकों को आजीविका के बेहतर साधन मुहैया कराने के साथ ही उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाने की दिशा में काम किया जाएगा। वहीं इन किसानों और पशुपालक को उनके उत्पादन का बेहतर मूल्य भी दिया जाएगा। वहीं मशरूम उत्पादकों के लिए बाजार की व्यवस्था भी की जाएगी। तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर लगाए आरोप। राजद नेता सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लगातार कई ट्वीट कर केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की नीतीश सरकार पर आरोप मढ़े हैं। तेजस्वी ने सरकार द्वारा किए जा रहे निजीकरण पर तंज कसा है। वहीं रुपेश हत्याकांड के खुलासे पर राज्य सरकार पर सवाल उठाया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि राज्य सरकार नवरूणा हत्याकांड की तरह ही रुपेश हत्याकांड की भी लीपापोती करना चाहती है। आखिर ये सरकार किसे बचाना चाहती है? ट्वीट में कहा है कि राज्य सरकार बिहार के नागरिकों से लोकतांत्रिक हक छीन रही है, छात्र युवाओं से अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली है, धरना प्रदर्शन करने पर नौकरी से वंचित कर रही है। वहीं दूसरे ट्वीट में केंद्र सरकार के निजीकरण फैसले पर कहा है कि सरकार का मकसद है अति पूंजीवादी को बढ़ाना और सामाजिक न्याय मिटाना। सभी सरकारी संस्थानों को बेचकर सरकारी नौकरियों को भी ये प्राइवेट कर आरक्षण को समाप्त कर देंगे। कन्हैया कुमार की हुई उनकी ही पार्टी में निंदा। जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कन्हैया कुमार के खिलाफ उनकी पार्टी ने निंदा प्रस्ताव पारित किया है। यह प्रस्ताव हैदराबाद में नेशनल काउंसिल की बैठक में पारित किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि नौजवान नेता को इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। दरअसल 1 दिसंबर 2020 को कन्हैया कुमार पटना कार्यालय में अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे, जहां से बेगूसराय में आयोजित एक बैठक में शामिल होना था।
लेकिन बैठक के किसी कारण स्थगित हो जाने के बाद पर कन्हैया के समर्थकों ने भाकपा के प्रदेश कार्यालय सचिव इंद्रभूषण वर्मा के साथ बदसलूकी और मारपीट की। इस मामले पर कन्हैया कुमार और उनके समर्थकों के खिलाफ राष्ट्रीय नेतृत्व से कार्रवाई की मांग की गई थी। हालांकि कन्हैया कुमार ने बाद में सफाई भी दिया था कि वो इस हिंसा के हिस्सा नहीं थे। भाजपा कार्यकर्ता कर रहे हैं किसानों को जागरूक। पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना किसान उत्पादक संगठन को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को प्रशिक्षित कर रही है। पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत तमाम नेताओं को इसके लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद पार्टी के नेता किसानों को FPO के जरिए सशक्त करेगी। आपको बता दें कि किसान उत्पादक संगठन यानी कि FPO एक सदस्यता आधारित संगठन है। यह संगठन विभिन्न कानूनी रूपों में पंजीकृत है। यह किसानों से मिलकर बना सामूहिक संस्थान है जो मुख्य रूप से सामूहिक लाभ लेने के लिए काम करता है। इसमें कृषि उत्पादन के साथ बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने की संभावना है। ट्विटर पर जमकर ट्रोल हुए कप्तान कोहली। चेन्नई में आज से शुरू हुए भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज में कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज को इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में मौका नहीं दिया गया। कुलदीप यादव की जगह शहबाज नदीम को मौका दिए जाने पर फैंस काफी ज्यादा नाराज दिखे और उन्होंने ट्विटर पर कप्तान विराट कोहली को जमकर लताड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि कुलदीप का करियर खराब करने के पीछे विराट कोहली का हाथ है। फैंस इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने वाले मोहम्मद सिराज को भी इस मैच में मौका नहीं दिए जाने पर काफी दुखी दिखे। आपको बता दें कि सीरीज में भारतीय टीम में कप्तान विराट कोहली की वापसी हो गई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए सीरीज में कोहली पेटर्निटी लीव पर गए थे। इंडिया वर्सेज इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के साथ ही एक साल बाद भारतीय सरजमी पर फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी आज से हो गई है। रोहित शर्मा पर कंगना के ट्वीट को ट्विटर ने हटाया। कंगना रनौत ने बीते दिन भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा पर ट्वीट करके जुबानी हमला बोला था, जिसके बाद ट्विटर ने कंगना के ट्वीट को हटा दिया। ट्विटर के इस एक्शन से कंगना फिर से भड़क उठी है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चीन की कठपुतली करार दिया है। दरअसल रोहित शर्मा ने लिखा था कि किसान हमारे देश का महत्वपूर्ण हिस्सा है, उनके मुद्दों के समाधान के लिए हर कोई अपना रोल अदा करेगा। इस ट्वीट पर कंगना ने रोहित के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार किसान आंदोलन के समर्थन में बोलने वालों के साथ सरकार का रवैया सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।